नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी के रायते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। 250 ग्राम दही लिया था, तो इसको फेंट करके इस तरीके से मैंने मटर की तरह बना लिया है इसको। लौकी, सादा नमक, काला नमक और ये जीरा मैंने भून करके इस तरीके से रख लिया। इसका पाउडर बनाएंगे। लाल मिर्ची पाउडर, 2 साबुत लाल मिर्ची ली है इसको तड़के के लिए, और जीरा, हींग। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस पे पैन रख दिया है, तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे, और अब डाल देंगे हींग। ये देखिए, इसे भी चला लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा। इस लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से और धो लिया है। इसके पहले भी मैंने एक बार धोया था, और इसके बाद कद्दूकस करने के बाद भी एक बार धोया है। खीरे का रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम इसे चला लेंगे, और अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे और गैस को मंदी कर देंगे, और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। इस तरीके से चला लेंगे और थोड़ा सा हम कलछी से दबा करके चेक कर लेंगे कि हमारी लौकी पक चुकी है कि नहीं। तो ये देखिए, दब रही है, कट गई है, तो इसका मतलब अच्छे से हमारी लौकी पक चुकी है। अब हम इसे निकाल करके रख देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसे हम इस तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे ताकि हमारी लौकी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब हम इस मठे में डाल देंगे लौकी जो हमने पका करके रखी है। ऐसे इस तरीके से हम चला लेंगे। काला नमक, सादा नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। ये जीरा पाउडर जो हमने भून करके जीरा रखा था ना, तो उसका पाउडर बना लिया है तो वो डाल देंगे, और इसे इस तरीके से चला लेंगे। ये सबको मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में, और तड़के की तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने कटोरी में घी रख लिया है 1 चम्मच, और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और घी को थोड़ा सा पिघला लेंगे। अब गैस को मद्दी कर देंगे। तो ये घी जब पिघल जाएगा तो इसमें डाल देना है ये लाल मिर्ची जो हमने साबुत लाल मिर्ची ली है, तो उसका डंठल निकाल दिया था और उसे हम डाल दिए हैं इसमें। और अब यहीं पे डाल देंगे जीरा, और इसे इस तरीके से चला लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। अगर ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो लाल मिर्ची पाउडर जो है हमारा वो जल जाएगा, इससे हमने गैस को बंद कर दिया है। तो जो ये हमने तड़का बना करके तैयार किया है उसे डाल देंगे इसमें। ये देखिए, और इसे चला देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। लौकी का रायता बहुत ही टेस्टी बनता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और खाइए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी रायता बनकर के तैयार हो गया है। अब चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लौकी का रायता बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।